डैड ने तो कमाल कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस अगेन इनटू योर स्क्रीन एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी लाइक व्हाट यू गेव इन जॉली और चिमकाना वीडियो सॉन्ग। तो चलिए अभी हम जो पेनी का जो फुल वीडियो सॉन्ग आ गया है उसका रिएक्ट करेंगे और साथ में मिलकर देख लेते हैं। और गाइस, आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अगला वीडियो में भी हम लोग मिल पाएंगे। परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस इन द मोरंगा। वाओ, स्टार्स थोड़ा बहुत पक्का कमर्शियल है। क्या ट्यून है, सिंगर है, क्या नाम है, आकाश माली। क्या लुक है यार, हाथ में बैंड पैर में बैंड।
डांस करवा दिया। गाना देखकर इतने सारे एस्पेक्ट एंगल्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि किसको छोड़कर किसको पहले कहूँ समझ में नहीं आ रहा। गाना बहुत बढ़िया है यार। सबसे पहले काम करती हूँ नकाशा दे से स्टार्ट करती हूँ, मतलब क्योंकि उन्होंने गाना गाया है तो बहुत ही बेहतरीन गाना गाया है। बहुत अच्छा गाया है इस वॉयस में, मतलब इस जो म्यूजिक है इसमें उनका वॉयस एकदम फिट जा रहा है ऐसा लगता है। एंड सबसे बड़ा बात है लगता है थमोनस का गोल्डन पीरियड जा रहा है पूरा, जो भी गाना जिसमें भी हाथ दे रहा है वो बस मैजिकल एंड ऑसम ऑसम बैकग्राउंड म्यूजिक हो, हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक हो, फुल सॉन्ग हो, लिरिकल, मतलब कुछ भी। हमने इसको कलावती में जैसे देखा था बिल्कुल ट्रेडिशनल, और यहाँ पे जैसे खुद को दिखाया है, मतलब रैपर पूरा, कहीं वो भी अपना करियर मूवी में ट्राई तो नहीं करना चाह रहे हैं कि देखो यार मुझ में भी फुल हीरो मटेरियल हूँ मैं भी, ऐसा नहीं, लेकिन गाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वैसे एक दो सिंगल सॉन्ग आप थमोनस का आ जाएगा तो भी उठ जाएगा। और गाने का जो वीडियोग्राफी है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गाने के जो पैरा है जहाँ पे वोकल्स यूज करे गए हैं उसको छोड़कर भी बीच का जो म्यूजिकल पार्ट है वो बहुत लंबा है, लेकिन वीडियो जैसा है वहाँ पे आपको बोर नहीं हो रही, एंटरटेनिंग हो रहा है, जिस पैटर्न से नाम दिखा रहे हैं वीडियो में जो भी चीजें दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, जो भी फीमेल्स दिखाया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, नया नया सा दिखाया है। एक्चुअली महेश बाबू का तो उम्र के साथ अपना हैंडसमनेस, उम्र भी बढ़ रहा है, हैंडसमनेस भी बढ़ रहा है, मतलब वो ऐसे लग ही नहीं रहे कि वो सितारा के डैड हैं और आप हर बार नए नए टाइप से उनके प्यार में पड़ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। डॉटर एंड डैड ने तो कमाल कर दिया, लेकिन कोई एंगल से लग नहीं रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम है जैसे सितारा महेश बाबू का डॉटर है तो मालूम ही नहीं चलेगा, तो महेश बाबू को इतना हैंडसम एंड मतलब एक चेहरा, मतलब एक करिश्मा, मतलब अंदाज से जैसे निकल रहा है ऐसा लग रहा है देख के। तो ओवरऑल दिस इज ए ऑसम सॉन्ग एंड गाने का रैपिंग पोर्शन भी बहुत बढ़िया है एंड म्यूजिक का जो बीट है बार बार रिपीट किया गया है वो भी और कैची बनाया गाना को। सितारा के लिए आई गाइस ये आई गेस ये थोड़ा फन सॉन्ग जैसा है कि मतलब घर में तो अपने फादर के चीजों को कोई कितना भी एंजॉय कर ही सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस व्हाटल दिस इज अ ऑसम सॉन्ग एंड आई मूवी रियली एंजॉयड दिस वन। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहेंगे। वो टोटल गाने में महेश बाबू इज लुकिंग टू हैंडसम, टू गुड, टू क्यूट, एवरीथिंग। वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।